हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दिवांग महेश्वरी Equialpha.com से। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक थोड़ा पेचीदा है, इसलिए आपको मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा बिना किसी डिस्टरबेंस के। आज का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और कैसे ये आपको और मुझे इम्पैक्ट करती है। आपने अपने आसपास और न्यूज़ चैनल पे काफ़ी बार सुना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी रेट बढ़ा दी, मॉनेटरी पॉलिसी रेट कम कर दी, रेपो रेट बढ़ा दी, रेपो रेट कम कर दी, इकोनॉमी को ग्रोथ की ज़रूरत है, इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेशन कम हो चाहिए। ये सब काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए आज हम इसे बहुत ही सिंपल और एक लेमन टर्म्स में समझेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे इकोनॉमी और आपको ये इफेक्ट करता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इकोनॉमी में पैसा कैसे फ्लो होता है। बैंक्स, जिसमें कि आपका और मेरा आना जाना रोज़ लगा रहता है, रोज़ चक्कर लगते हैं, ये इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये मच नीडेड फंड्स प्रोवाइड करते हैं, आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं कि आप आगे काम कर सके, आप अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ा सके या आप आगे खर्चा कर सके। अब सवाल ये उठता है कि बैंक पैसा कहाँ से लाता है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि जब हमें नीडेड होता है जिस फंड का ये हमें प्रोवाइड कर देता है। तो बैंक जो होता है ये RBI से पैसे लेता है और आगे लेंड करता है। अब जिस रेट पे बैंक RBI से पैसे लेता है उस रेट को मॉनेटरी पॉलिसी रेट यानी कि रेपो रेट बोलते हैं, और ये इस पे अपना कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट का प्रॉफिट जोड़कर आगे आपको और मुझे लेंड कर देता है अपने खर्चे के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए। तो इंटरेस्ट रेट बैंक के लिए फ़ायदा होता है और आपके लिए एक्सपेंडिचर खर्चा, आपकी कॉस्ट बढ़ा देता है। अब जब ये मॉनेटरी पॉलिसी रेट यानी कि वो रेट जिस पे RBI बैंक को लेंड कर रहा है आगे बिजनेस करने के लिए, ये रेट बढ़ जाती है, इसका मतलब कि बैंक के लिए उसकी फंडिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है, और क्योंकि इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है वो आपसे भी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये जो सिनेरियो बनता है जिसमें कि बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और वो आगे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, जिससे कि पैसे की कॉस्ट यानी कि ब्याज की कॉस्ट आपके लिए महंगी पड़ जाती है। सो इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे महंगा पैसा। दूसरी साइड, जब ये मॉनेटरी पॉलिसी रेट कम हो जाती है जिससे कि बैंक भी आगे अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देता है और आपको आपकी कॉस्टिंग कम पड़ती है, इसको कहेंगे पैसे की अवेलेबिलिटी सस्ती कॉस्ट पे, यानी कि सस्ता पैसा। सो एक तरफ है महंगा पैसा और एक तरफ है सस्ता पैसा। अब हमको ये क्लियर है कि मॉनेटरी पॉलिसी रेट क्या होता है और कैसे आता है। अब हम ये समझेंगे कि सस्ता पैसा और महंगा पैसे का क्या रोल है और किस तरीके से ये पूरी इकोनॉमी का सिनेरियो चेंज कर देता है। सस्ते पैसे के बहुत फायदे होते हैं। एज ए बिजनेसमैन अगर आप सोचे तो उसके लिए सस्ता पैसा यानी कि ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि उसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा नए नए प्लांट्स लाएगा, नए नए प्रोडक्ट्स लाएगा, अच्छा मुनाफा उस पर भी कमाएगा और आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, जिससे इकोनॉमी एक अच्छी डायरेक्शन में मूव करेगी। वहीं दूसरी ओर जब उसके लिए ये पैसा महंगा हो जाएगा तो उसके प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट करेगा, जिससे वो नए नए प्रोजेक्ट्स लाने में थोड़ा हिचकिचाएगा क्योंकि उसका मार्जिन कम हो जाता है। जब ऐसा होगा कि प्रोजेक्ट कम आ रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी कम जनरेट होगा और इकोनॉमी का डायरेक्शन थोड़ा नीचे होते जाएगा धीरे धीरे। वहीं आप एक कंज्यूमर के एंगल से सोचें तो वो कर्जा काफ़ी चीज़ों के लिए लेता है, जैसे गाड़ी खरीदने के लिए, AC खरीदने के लिए, फ्रिज खरीदने के लिए या किसी और चीज़ के लिए जो भी उसको ज़रूरी लगता है। जब ये उसको सस्ते में मिलता है तो वो इसको उठाता है और खर्चा करता है आगे AC पे, फ्रिज पे, अपने अपने कंज्यूमर और ज़रूरतमंद की चीज़ों पे। जब ये उसको महंगा पड़ता है यानी कि जब ब्याज दर उसके लिए महंगी पड़ती है तो वो ये चीज़ें धीरे धीरे डिफर कर देता है। वो AC खरीदना थोड़ा डिफर कर देगा कि यार अपन 3 महीने बाद खरीदते, क्योंकि इंटरेस्ट की जो कॉस्ट होती है वो उसके ओवरऑल कॉस्टिंग का एक पार्ट होती है। इसका इम्पैक्ट कंपनीज पे भी आता है क्योंकि उनकी सेल्स कम हो जाती है, जिससे कि उनका मार्जिन इफेक्ट करता है, उनका एक्सपांशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं और जो वो सोच के रखते हैं वो चीज़ें डीले हो जाती है और इकोनॉमी में ओवरऑल एक डाउनवर्ड ट्रेंड चालू हो जाता है। तो सस्ते पैसे से एक बिजनेसमैन को भी फायदा हो रहा है, एक कंज्यूमर को भी फायदा हो रहा है, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी अपलिफ्ट होती है, और महंगे पैसे से एक बिजनेसमैन को भी नुकसान होता है, एक कंज्यूमर को भी नुकसान होता है, जिससे कि इकोनॉमी ओवरऑल डाउनवर्ड ट्रेंड में जाती है। अब हमको ये पता है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी रेट एक सिंगल मोस्ट रेट किस तरीके से पैसे का कंप्लीट फ्लो चेंज कर देती है, इकोनॉमी का पूरा सिनेरियो चेंज कर सकती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि जब ये मॉनेटरी पॉलिसी रेट गवर्नमेंट के हाथ में है, RBI के हाथ में, इनको कम करना या बढ़ाना, तो ये इसको कम करके डिमांड ग्रो क्यों नहीं कर देती है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी तेज स्पीड से ग्रो करने लग जाए। ऐसा ज़रूर होता अगर पूरी इकोनॉमी इस एक रेट पर डिपेंडेंट होती, पर कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो RBI को और गवर्नमेंट को साथ में देख के, साथ में रख के आगे बढ़ना पड़ता है। दूसरा फैक्टर जो इस मॉनेटरी पॉलिसी रेट को इफेक्ट करता है वो है इन्फ्लेशन, जो कि महंगाई।
आरबीआई का हमेशा टारगेट होता है कि वो एक स्टेबल इन्फ्लेशन रहे, यानी कि आपके आसपास की चीज़ों की जो कॉस्ट आपको पड़ रही है वो स्टेबल रहे, वो बहुत ज़्यादा बढ़े भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी तो वो अगेन रेपो रेट को कम ज़्यादा करेगा इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए। और दूसरी तरफ है ग्रोथ, जिसको भी आरबीआई को ही बैलेंस करना है रेपो रेट कम करके या ज़्यादा करने के लिए। अब आपको ये चीज़ क्लियर है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, कैसे ये रुपए को सस्ता या महंगा कर देता है, और कैसे ये सस्ते या महंगे पैसे से सब कुछ चल रहा है, आपके आसपास की चीज़ें, आपका बिजनेसेस, आपके आसपास के लोग जो खर्चा कर रहे हैं, सब इस सस्ते और महंगे पैसे से ड्राइव होता है। कि अब आपको ये तीनों चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, इससे आपको एक इंसाइट मिला होगा कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी फ्लो हो रही है। मैं इसी तरीके के वीडियोस आगे बनाते रहूँगा जिससे कि आपके फाइनेंशियल लाइफ पे और आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस मिले, आप अपने डिसीजंस अच्छे से ले पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं अपनी ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें और ऐसा नॉलेज आप तक एक फास्ट मैनर में पहुँचा सकूँ। इसी के साथ मैं अलविदा रहूँगा, थैंक यू अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। देवांग महेश्वरी साइनिंग।